घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्यों मानते हैं रश्मिका खुद को भाग्यशाली? कैसा था अल्लू अर्जुन का नेचर सेट पर? मेकर्स पार्ट 2 से क्या चाहते हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राट स्टूडियोज में। दिसंबर के महीने में रिलीज हुई पुष्पा द राइज का क्रेज आज भी सोशल मीडिया पर कायम है। अल्लू अर्जुन का स्टाइल और डायलॉग से लेकर श्रीवल्ली की अदाएं और समंथा रुद्र प्रभु के दिलकश मूव्स पर हर एक दिल फिदा है। साउथ सिनेमा में धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड में भी खूब धमाल मचाया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उनका बज ऐसा रहा कि हर कोई पुष्पा राज बनना चाह रहा है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने पुष्पा के डायलॉग्स और उनके डांस स्टेप्स को कॉपी किया है। ऐसे में फैंस पुष्पा के बारे में बहुत सी चीजें जानना चाहते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि आपके अल्लू अर्जुन पुष्पा बनकर सेट पर कैसे घूमते थे। हाल ही में दिए गए रश्मिका मंदाना के इंटरव्यू में उन्होंने अपने और अल्लू अर्जुन की रिलेशनशिप पर बात की है। उन्होंने कहा कि श्रीवल्ली चाहती है कि पुष्पा राज और उनकी दोस्ती पूरी जिंदगी कायम रहे। इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि अल्लू अर्जुन का रवैया सेट पर कैसा होता था। इसका जवाब देते हुए रश्मिका ने बताया कि अल्लू अर्जुन जैसे सबके सामने होते हैं स्वीट और शांत टाइप, वैसे ही उनका फिल्म के सेट पर भी वही अंदाज होता था। रश्मिका ने बताया कि वो बेहद स्वीट है, वो बेहद नरम दिल के इंसान है। मैं सोचती हूँ कि कोई इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है। मैं उनसे बोलती थी कि आप इतने सीधे क्यों हैं, इतने अच्छे क्यों हैं, मत बनिए इतने अच्छे। वहीं रश्मिका ने आगे बताया कि वो एक जेम पर्सन है। इतने सालों से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद से सोचती, मैंने इन्हें अपने कॉलेज के दिनों से देखा है, ये एक स्टार है, मुझे इन्हें स्टार की तरह ट्रीट करना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बता दें कि पुष्पा द राइज के चर्चे फैंस की जुबान पर अभी भी बरकरार है। इस फिल्म की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले हिंदी जगत में इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। जल्द ही पुष्पा 2 भी आने वाली है, जिसकी शूटिंग मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसमें कई बॉलीवुड एक्टर्स नजर आ सकते हैं। पुष्पा 2 की कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहां पुष्पा पार्ट 1 खत्म हुई है, क्योंकि मेकर्स फिल्म की कंटिन्यूटी को बरकरार रखना चाहते हैं। तो आपको पुष्पा 2 का कितना इंतजार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।